नमस्कार, खाना किशोरी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बथुए का रायता। बथुआ सर्दियों में बहुत आता है और हमारे सेहत और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है इसको खाना। तो चलिए बनाते हैं बथुए का रायता। इसके लिए हमने थोड़ा सा एक मुट्ठी भर के करीब बथुआ ले लिया है। इसको हमने अच्छे से धो के साफ कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी, आधे गिलास से भी थोड़ा सा कम डालेंगे और इसको उबलने के लिए रखेंगे। बथुए को उबलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो जल्दी ही उबल जाता है। इसको हम ढक देंगे और ये जल्दी पक जाएगा। तब तक हम 3-4 लहसुन की कलियां ले लेते हैं, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा धनिया लेकर इसको पीस लेते हैं। इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। बथुए का रायता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, अब बथुआ हमारा उबल गया है। अब हम इसको थोड़ा पीस लेंगे, इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा ना मोटा ना पतला, इस टाइप का हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें वैसे हाथ से भी या फोक की सहायता से भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो आप। अब हम अपनी सुविधा के अनुसार जितनी हमें दही, जितनी दही का रायता बनाना है उतनी हम दही लेंगे। मैंने यहाँ पर एक कटोरी के करीब लिया है, इसमें हम ये सब मिक्सचर डालेंगे। तो हम अच्छे से पहले बीट करेंगे दही को, तो अच्छे से फेंट के तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने बथुए को पीसा है, उबले हुए बथुए को जो हमने पीस के पेस्ट बनाया है, उसको मिलाएंगे और जो धनिया लहसुन और अदरक का हमने पेस्ट बनाया था उसको भी इसमें मिलाएंगे। इस पेस्ट का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला जो मैंने बनाया है। इस चाट मसाले को देखने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक डाल दूँगी, आप इसको वहाँ पर मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमें और कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ मसाले में है। थोड़ा सा काला नमक हम इसमें डाल लेंगे और ये हमारा रायता तैयार हो गया है बथुए का। सर्दियों में इस बथुए की बात ही कुछ और है। आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।